समटाइम इनके स्पाइंस और जिनके अंदर इसको जीनोम कहा जाता है प्लेट्स। अल्टरनेटिंग एबुलेक्रल हैविंग ओपनिंग फॉर द ट्यूब फीट, एबुलेक्रल से कहा जाता है जहां से ट्यूब फीट की ओपनिंग हो। एंड इंटर एम्बुलेक्रल मींस इस बम्प्स ऑन फॉर स्पाइंस, यानी कि स्पाइन जो है अगर वो स्किन के ऊपर इसके बम्प्स हों इंटर एम्बुलेक्रल कहा जाएगा, और अगर वो ट्यूब फीट के साथ हो तो एबुलेक्रल कहा जाएगा। द माउथ हैज एन इंट्रिकेट सिस्टम ऑफ जार्स एंड मसल्स कॉल्ड एरिस्टोटल लेट्रम। इनके जो माउथ होते हैं उसके ऊपर जार्स मौजूद होते हैं, और प्लस जो है वो एल्गी वगैरह को एज अ फूड सोर्स जो है वो यूज करते हैं। हार्ट अर्चन एंड सैंड डॉलर्स आर एडॉप्टेड फॉर द सॉफ्ट बॉटम ऑफ द ओशंस। ओशंस के सॉफ्ट बॉटम में पाए जाते हैं सी अर्चन एंड हार्ट अर्चन एंड सैंड डॉलर्स, और इनकी बॉडी जो होती है वो फ्लैट होती है। नंबर फोर्थ क्लास इज होलोथुरेडिया। सी अर्चन सी कुकम्बर जो है उसकी एग्जाम्पल है होलोथुरेडिया की, और सिमिलर बॉडी प्लान होता है लाइक अर्चन सी अर्चन की तरह इनका बॉडी प्लान होता है, और इनके सरफेस पर जो है वो मौजूद होते हैं इनके। दीज आर एग्जाम्पल, दिस इज माउथ, बॉडी कवर्ड विद द ट्यूब फीट्स, दीज आर द टेंटिकल्स इन द ब्रांचिंग फॉर्म। Any question? मैम ये अभी आपने पढ़ाया था ना, तो उसमें लिखा था अभी जो स्लाइड आप करें उसमें लिखा था कार्ड अरिस्टोटेलियंस ऐसे कुछ लिखा हुआ था लास्ट में जो आपने स्लाइड बताई थी। हेलो मैम आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है, मैं जस्ट चेक कर रही हूँ। अब पूछें कौन सा मैम? आपने इसके रिजनरेशन के बारे में बताया, फिर थोड़ा आगे आई स्लाइड्स के उसके उसके डाइजेस्ट सिस्टम और फीडिंग के बारे में आपने बताया। रिजनरेशन के बाद नर्वस सिस्टम, इसके बाद और मैम जब मैम जब ये रिजनरेशन करती हैं तो फिर इसके मतलब जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं तो उसमें हर एक न्यू बॉडी जनरेट होती है ना जब ये रिजनरेशन करती हैं। मोस्टली अगर इनका कोई मिसिंग पार्ट है, कोई आर्म मिस हो जाती है, तो वो उस आर्म को रिजनरेट करते हैं, क्योंकि इनके सेल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो रिजनरेशन का प्रोसेस कर सकते हैं, जिसके अंदर जो है वो दोबारा से जो है वो मिसिंग पार्ट जो है वो वापस आ जाता है। लेकिन समटाइम ये होता है कि इनकी इकाइनोडर्म्स का कोई पूरा पार्ट मिसिंग है, मतलब एक क्या कहते हैं हम उसकी एक आर्म बच गई है। अब पांच चार आर्म से एक आर्म मिसिंग हुई है तो वो तो रिजनरेशन हो जाएगी, उसमें आ जाएगी। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि एक अगर फुल पार्ट जो है वो आर्म का और उसके अंदर वन
फिफ्थ जो है वो उसके कैनाल मौजूद हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आम से पूरा जो है वो इकाइनोडर्म बन सकता है, बट इन रेयर केस। ठीक है, ठीक है, कल हम इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट करेंगे फाइलोजेनेटिक कंसीडरेशन। ठीक जी मैम, जी अल्लाह हाफिज़।